सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के निस्तारण को लेकर प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रवृत्ति एक बड़ी समस्या के रूप में छात्रों के आगे चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जनपद के तमाम छात्रों ने छात्रवृत्ति फॉर्म संशोधन के लिए आवेदन किया था, लेकिन समाज कल्याण विभाग से फॉर्म आगे बढ़ाने की तिथि समाप्त होने की वजह से उनका आवेदन कॉलेज में नहीं जमा हो पा रहा है। वहीं विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति आवेदन स्टेटस सोना होने के कारण जिले के हजारों विद्यार्थी अपने फॉर्म को लेकर परेशान हैं। इसको जल्द ही निस्तारण के लिए कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है। इस मौके पर सना बानो, दीपा त्रिवेदी, धर्मेंद्र कुमार, विभव रश्तोगी, अनुराग मिश्रा, सुशील कुमार, नरेंद्र कुमार राठौर, हिमांशु शुक्ला, कृष्ण कुमार, अतुल बाजपेयी, चित्रांश श्रीवास्तव, आकाश मुनीत श्रीवास्तव, शशिकांत, आयुष शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों की समस्याओं को लेकर कार्य करती आई है। इसी क्रम में आज सीतापुर में काफ़ी जितने भी अपने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, सभी स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या छात्रवृत्ति को लेकर, जो कि छात्रवृत्ति जिनकी है नाम आ गया है लेकिन लटका हुआ है, किसी कारणवश उनकी नहीं आ पा रहा है। इसीलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट की पेपर आने वाले हैं, जो रुकी हुई है छात्रवृत्ति वो जल्द से जल्द आए। इसीलिए आज जितने भी अपने यहाँ के इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज सभी कॉलेजों के छात्र आए हुए हैं अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, जो बता रहे हैं कि वो घर से इतना सक्षम नहीं है, जो कि इस पेपर होने वाले हैं, अगले सत्र चालू होने वाला है, पर इस वर्ष की जो छात्रवृत्ति नहीं आई हुई है इसको जल्द से जल्द सिटी मजिस्ट्रेट जी के द्वारा ज्ञापन देकर मांग की जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम जी है, संगठन मंत्री सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।